Delhi World Book Fair, hosted at Pragati Maidan, New Delhi, is India's oldest book fair. The first New Delhi World Book Fair was held from March 18 to April 4, 1972, with 200 participants. It was inaugurated by Mr. V.V. Giri, the President of India at that time. New Delhi World Book Fair is organized by National Book Trust, NBT, in association with Indian Trade Promotion Organization ITPO annually at Pragati Maidan, New Delhi, under MOU with ITPO. During the book fair, the Pulp and Paper Times got the opportunity to interact with Ms. Neera Jain, Director at National Book Trust NBT. Here are some excerpts of the interview. As a reader, what is the value of paper in a reader's life and how do you manage this value? As an event organizer. जन्म के बाद ही बच्चा किताब से खेलने लगता है. हम उस जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके बाद की किताबें पब्लिश करना शुरू करते हैं. छोटे बच्चों के लिए हमने पिक्चर बुक्स निकाली हैं जिसको साइलेंट बुक्स भी कहते हैं, जिसमें टेक्स्ट नहीं है, तो माँ बाप उनको स्टोरी भी सुना सकते हैं और बच्चे खुद भी वो पेज पलट सकते हैं. तो बच्चों का जो रिश्ता है पेपर के साथ और उसके थ्रू किताब के साथ, ये बहुत जल्दी ही शुरू हो जाता है. इस साल मैं बता सकती हूँ आपको कि कम से कम 3 करोड़ के करीब किताबें हमने सप्लाई की हैं 1 करोड़ बच्चों को, तो उससे ही आप काफ़ी अनुमान लगा सकते हैं. Nowadays there is a big craze of electronic gadgets among youths and kids. Many times they maintain some distance to the book just to enjoy electronic gadget. In this scenario, how do you retain the interest of youth and kids for the print book? देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पहुंच थोड़ी सीमित है. मैं कहूंगी कि रूरल एरिया के मध्य अपने ध्यान में रखते हुए हम किताबें निकालते हैं, पर ई बुक्स के प्लेटफॉर्म पे भी हमने काम किया है. हम चाहते हैं कि अगर कोई रीडर ई फॉर्म में किताब पढ़ना चाहता है उसका भी प्रोविज़न है. हम धीरे धीरे सारी हमारी किताबें ई फॉर्म में अवेलेबल कराएंगे ताकि प्राइम मिनिस्टर का डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव भी सक्सेसफुल हो सके. देखिए, लोग ज़्यादा प्रिंट बुक से ही अटैच रहते हैं क्योंकि बचपन से ही वो, मैंने जैसे कहा, बच्चों के लिए भी हमने किताबें निकाली हैं. अच्छा, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसकी भी कुछ मजबूरियां हैं. इसके लिए आपको सेल चाहिए, कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविज़न चाहिए. अगर वो ना हो तो आप हेल्पलेस हो जाते हैं, पर किताब के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. किताब के साथ जुड़ने के लिए आप एक किताब लीजिए और अपने आप में रहिए. और जो हमारा किताब के साथ एक्सपीरियंस रहा है वो इतना अच्छा रहा है. जैसे मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी. जब सुनामी आया था तो लोग बहुत इमोशनली डिस्ट्रेस थे, तो हम वहाँ अपनी किताबें लेके पहुँचे, तो एक माइंड को जो सुकून मिलना चाहिए वो उन्होंने किताबों में पाया. What is the participation level of visitors as well as exhibitors year on year? सर, ईयर बाय ईयर फुटफॉल देखें तो ये बढ़ रहा है. पिछले साल 12 लाख था, इस बार और ज़्यादा होने की उम्मीद है. पर एक बात और कहूँगी, इस बार जो एरिया है लास्ट टाइम जितना है 23,000 square meter है. अब जो नेक्स्ट होगा बुक फेयर तो वो और बहुत बड़े पैमाने पे होगा. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हम फैसिलिटीज़ दे पाएंगे, तो कोई कंपेयर नहीं कर सकते हम कितना फुटफॉल हो. पर जो हमारी सेल होती है, और एनबीटी की किताबें आपको मालूम है कि बहुत ही कम दर की होती हैं, सेल से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे हमारी सेल भी होती है और लोग आते हैं और पुस्तकों में लोगों की कितनी रुचि है. Delhi Book Fair is the largest book fair in Asia. Do you organize this fair in other region of the India also? देखिए, हम रीजनल पार्ट में नेशनल बुक फेयर करते हैं, रूरल बुक फेयर्स भी करते हैं, और लोग जो बुक फेयर्स करते हैं उनका सहयोग भी करते हैं हम अपनी एग्जीबिशन लगा के. अब इंटरनेशनल लेवल पे हमें हिंदुस्तान को लाना है, तो इंटरनेशनल लेवल पे ये ट्रेंड है कि जो कैपिटल होता है हर कंट्री का, उस कंट्री के कैपिटल के नाम से बुक फेयर होता है. इसीलिए ये न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर है. आप देखेंगे कि बाकी जितनी कंट्रीज़ हैं उनके बुक फेयर्स भी उनकी कैपिटल के नाम पे हैं, तो
उस हिसाब से देखा जाए तो हम अपना स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पे ले जा रहे हैं, और जैसा मैंने कहा कि नेक्स्ट ईयर हम और बड़े पैमाने पे और इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द एग्जीटर्स? पब्लिशर्स तो यही प्रॉब्लम है आउटरीच की। दूसरा NBT का ये एडवांटेज है कि हम बहुत लैंग्वेजेस में छापते हैं। हम 50 लैंग्वेजेस कवर कर चुके हैं, 50 लैंग्वेजेस में हमने किताबें छाप दी हैं। तो और पब्लिशर्स भी इस बात को समझे, कमर्शियल एस्पेक्ट से भी उनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। What are the plans of the government to increase the dissemination of the books? Government ने NBT को खड़ा किया हुआ है इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, और नए नए generations of writers आए इसके लिए हमारी एक स्कीम है नवलेखन माला योजना, जिसके अंदर नए नए लेखक हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि उनकी राइटिंग और पनपे और वो आगे बढ़ें। हम पब्लिशिंग कर रहे हैं, प्रॉपर बुक्स भी निकाल रहे हैं, और साथ में हम ई प्लेटफॉर्म पे भी प्रोवाइड करेंगे। तो हम जो रीडर है उसकी सारी प्रॉब्लम्स को टेक केयर करके चाहते हैं कि वो रीडिंग हैबिट डेवलप। हम लोग जन जन तक किताबें पहुँचाते हैं, हम लोग डोमेस्टिक बुक फेयर्स करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये विश्व पुस्तक मेला है, उसके बाद नेशनल बुक फेयर करते हैं, रूरल लेवल में करते हैं, और घर घर तक किताबें पहुंचाने के लिए हमारी पुस्तक परिक्रमाएं होती हैं, हमारी वैन्स हैं वो घर घर तक किताबें ले आती हैं हर डिस्ट्रिक्ट में और हर तालुक। हाउ डू यू सी द ग्रोथ ऑफ पब्लिशिंग सेक्टर ईयर बाय ईयर? देखिए, इंग्लिश पब्लिशिंग वर्ल्ड में तो हम लोग थर्ड रैंक करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अगर मेजर करें तो। वी आर नेक्स्ट टू US आई कैन से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ पब्लिशिंग इंडस्ट्री का बहुत आगे स्कोप है, और लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े तो और बेहतर होगा, क्योंकि एक तरीके की सर्विस कर रहे हैं हम पूरी कंट्री के लिए, और अपनी कंट्री को एक अच्छी नॉलेज सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। What impact of rising cost of the paper do you see on publishing industry, and how do you evaluate the impact on this fair and visitor flow? सर देखिए, ये तो परचेजिंग पावर भी लोगों की बढ़ती जा रही है, तो उस नज़रिए से देखें तो हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, सब्ज़ी के दाम बढ़ रहे हैं, तो NBT को और पूरी पब्लिशिंग इंडस्ट्री को इसको तो ध्यान में रखते हुए ही अपने दाम बनाने पड़ेंगे। जहाँ तक NBT का सवाल है, हमारी बुक्स बहुत ही सब्सिडाइज होती हैं, और पेपर तो चाहिए ही किताबों के लिए। अगर हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि लोग पढ़ें तो पेपर की तो ज़रूरत होगी ताकि और किताबें भी बने और बिकें। Any message to paper making industry you want to give? मैं चाहती हूँ कि पेपर इंडस्ट्री भी हमारी पब्लिशिंग इंडस्ट्री से और क्लोजली जुड़े, और सारी इंडस्ट्री के लोग हमारे मेले में ज़रूर आएँ और इसका लाभ उठाएं। उसके अलावा हमारी कंट्री एक नॉलेज सोसाइटी बने, इस डायरेक्शन में NBT काम कर रहा है।